ने नवरात्रि के दिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को खत्म होने वाला है। 119 सीटों वाले तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। इस बीच पहली सूची जो जारी की गई है उसमें संत नगर सीट से डॉक्टर कोटा नीलिमा को मैदान में उतारा गया है। डॉक्टर कोटा नीलिमा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा की पत्नी है। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के आक्रामक नेता हैं। पवन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव के रूप में भी काम किया। फिलहाल पवन पार्टी के चेयरपर्सन के तौर पर काम कर रही हैं। वहीं उनकी पत्नी के बारे में बात करें, जिन पर कांग्रेस ने विश्वास जताया है, वे भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं और AICC की मेंबर हैं। नीलिमा का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में PhD और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मास्टर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की। एक पत्रकार के रूप में नीलिमा ने द इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक प्रमुख संवाददाता के रूप में राजनीति को कवर किया और द संडे गार्जियन की राजनीतिक संपादक थी। पत्रकार से वे राजनीति में आई और काफी लंबे समय से कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के तौर पर वे काम करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि दक्षिणी राज्य कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और अब वह तेलंगाना को जीतने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने बीते महीने सितंबर में वहां रैली की और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बड़े बड़े चुनावी वादे किए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हैदराबाद के पास एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों की घोषणा की थी।